साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए गोरखपुर रेंज के पहले साइबर क्राइम थाना का उद्घाटन मंगलवार को डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक द्वारा फीता काटकर तथा शिलापट का लोकार्पण करके किया गया। डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक ने कहा कि थाना एडवांस सॉफ्टवेयर और एक्सपर्ट टेक्निकल स्टाफ के जरिए यहां से साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ सॉफ्टवेयर की कमी है, उसे धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। साइबर थाना में 1 लाख से ऊपर की ऑनलाइन ठगी, बैंकों से धोखाधड़ी, एटीएम पिन पूछकर फ्रॉड करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे अपराधों से निपटने के लिए एक्सपर्ट टीम लगाई जाएगी। थाने में गोरखपुर समेत देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर में हुए साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा इस थाने में ही मंडल भर में हुए साइबर क्राइम की FIR भी दर्ज कराई जा सकेगी। एडवांस सॉफ्टवेयर के जरिए साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा। डीआईजी रेंज राजेश जी मोदक ने बताया कि रेंज के चारों जिलों में जो साइबर क्राइम के मामले आते हैं उनके अलग अलग जगहों पर निस्तारण में दिक्कत हो रही थी, अब यहां उनकी FIR भी यहीं दर्ज होगी। इसके साथ ही CCTNS का नेटवर्क, उससे इनको जोड़ लेंगे। इससे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब सब कुछ यहीं से होगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी यहीं पर होगी। साइबर फ्रॉड ने अपना स्वरूप बदल लिया है, यह प्रदेश ही नहीं देश भर में चल रहा है। अब साइबर क्राइम पर रोक लगाने में विशेष सुविधा मिलेगी। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तो, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ व अपराध प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कोतवाली VP सिंह सहित प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना विवेक मिश्रा, उत्तर प्रदेश निरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह, प्रतिशार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे सहित थाने के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIG रेंज राजेश डी मोदक ने कहा, ये सर सभी थानों को, सभी चौकियों को मैं लगभग 100 करीब के देख क्या कर रहे हैं। पीछे तो
ठीक है हीरो वहीं रहो। साइबर हाँ इनॉग्रेशन किया है, फॉर्मल इनॉग्रेशन। वैसे तो बहुत दिन से ये काम कर रहा है साइबर थाना गोरखपुर, लेकिन आज हमने फॉर्मल इसका इनॉग्रेशन किया है। ये बिल्डिंग पुलिस लाइन की है, इसको अस्थाई पुलिस स्टेशन हमने बनाया है और ये पूरे रेंज लेवल पे काम करेगा। अभी मेरे समझ से बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कमी है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे पूरी करेंगे। साइबर थाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरे रेंज लेवल पे कैटर करेगा और रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि साइबर क्राइम में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो रेंज लेवल पे जितने भी इम्पोर्टेंट जो मुकदमे होंगे जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन होने के का प्रोविज़न हम लोग करना चाहते हैं। यहाँ पे इतने साइबर क्राइम डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एक्सपर्ट आईओ की ज़रूरत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छे एक्सपर्ट आईओज हो, इंस्पेक्टर्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, जो उसके इम्पोर्टेंस को समझे, उसके टेक्नोलॉजी को समझे। तो आगे आने वाले समय में हम इसको धीरे धीरे बूस्टअप करेंगे, इसको और ताकतवर बनाएंगे ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले और ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने मुकदमे हैं वो जल्दी हम क्रैक कर सके। ये जो फील्ड है वो धीरे धीरे और भी क्रिटिकल और डेवलप होता जा रहा है, उतना ही हमको अपने आप को शार्प और हमारे एज को और शार्प करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए आज SSP गोरखपुर, SP सिटी, SP क्राइम और हम सभी पुलिस ऑफिसर्स ने मिलके इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है और आगे अच्छा रिजल्ट देने की हम पूरी कोशिश। तो यही एक तरीका है साइबर क्राइम थाना रहे। वैसे तो आपको मैं बताऊं कि हर एक थाने पे साइबर क्राइम से रिलेटेड FIR अभी भी होती है, लेकिन ये जो साइबर क्राइम थाना है ये एक तरह से उसमें एक्सपर्ट होगा और जो इम्पोर्टेंट मुकदमे होंगे उससे रिलेटेड वो यहाँ से इन्वेस्टिगेट होंगे। थैंक यू।